हेलो 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 हाय खुदा की बाणी तैयार हो रहो हेलो पर लो खुदा की बाणी
चारों धाम कर लिया आपने? यस। कितनी बार? दो बार। दो बार चारों कर लिए? कहाँ कहाँ जाके आए बताओ? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। कर लिया कंप्लीट? अभी सेकंड टाइम है आपका? हाँ। तो अभी भी गंगोत्री जाके आए आप? नहीं, गंगोत्री अभी जाएंगे। अच्छा, एज क्या है? एज क्या, एज क्या है आपकी? क्या एज? एज नाइन। नाइन है। उधर केदारनाथ कैसे गए? ट्रैक करके चल के? और उधर गंगोत्री गौमुख? क्या? गौमुख जाके आए? गौमुख। हाँ। उधर भी ट्रैक करके गए पैदल? Is no, no साल के हो? कहाँ से हो? पन्नान से। नाम बताओ आपका? शिवांश गोस्वामी। अच्छे से बताओ। My name is शिवांश गोस्वामी। चलो अच्छा है, करते रहो। पूरा इंडिया कवर करो, है ना? पूरा इंडिया घूमो आप। ज्योतिर्लिंग में निपटा दिए। नाम बताओ ज्योतिर्लिंग के, मुझे तो नाम ही नहीं पता। ज्योतिर्लिंग का नाम नहीं पता। नाम नहीं याद, लेकिन पांच कर लिया आपने। हाँ। चलो बहुत अच्छे, पूरा ऑल इंडिया घूमो आप, है ना? अभी नहीं, अभी तो आधा घूमे। आधा आधा इंडिया घूम लिए? हाँ। कहाँ कहाँ जाए मेजर मेजर बता दो। और अभी हरिद्वार वाले चार बार। हरिद्वार चार बार जाके? हरिद्वार और केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और वहाँ तेरा अभी क्या कहते हैं उसको, ऋषिकेश। ऋषिकेश जाके आयो? हाँ। और नैनीताल और शिमला भी तो हुआ है। शिमला, कुल्लू, मनाली और वो क्या कहते हैं उसको, नाम आ रहा। कितना नाम ओली ओली तो इधर ही है ना आगे। तो बेटा तेरी एज से ज्यादा तू घूम लिया है ना, तू तो मेरे से बड़ा घुमक्कड़ मिल गया है। मैं तो अपने आपको ही समझ रहा था। कमाल है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है बेटा, है ना? स्वागत है आप सभी का भारत के आखिरी गांव माना में। तो आज हम पहुंच चुके हैं माना और आपको दिखाते हैं, माना घुमाते हैं, प्रकृति के नज़ारे, गजब नज़ारे। और भारत का आखिरी गांव है ये इस वजह से है कि ये चाइना और भारत के बॉर्डर पर स्थित है। इससे 50 किलोमीटर आगे माना पास पड़ता है। माना पास क्रॉस करते ही बॉर्डर आ जाएगा, उधर हम जा नहीं सकते, आर्मी स्थित है वहाँ पर, आर्मी बैठी हुई है, तो परमिशन नहीं मिलती है, पास नहीं मिलते हैं। तो जहाँ तक जा सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है, हम आपको दिखाते हैं, घुमाते हैं। आइए हमारे साथ घूमिए भारत का आखिरी गांव माना। Thank you.
क्या चीज है ये? क्या क्या काम आता है ये? तेज फल। क्या? बुरी नजर के लिए। अच्छा अच्छा। यही वो जगह जहाँ गणेश जी ने ग्रंथ लिखे थे। गणेश जी ने यहीं बैठे ग्रंथ लिखे थे। इधर देखिए आप गणेश गुफा, इधर मंदिर है। चाय के साथ साथ एंजॉय करें नज़ारे, बर्फीली चोटियां। नेचुरल ग्रीन टी चाय की चाय 10 रुपए एक पैकेट। 10 रुपए एक पैकेट। कहाँ से आती है आंटी जी ये? जंगल से लाते हैं। जंगल से तोड़ के लेके आते हैं। ये देखिए सरस्वती नदी,